Students, today we are going to study about coal and petroleum. Coal, aap sab jante hain, which is usually called in Hindi as koila. And petroleum aapke dimag mein aata hai petrol. But petroleum mein aur bhi bahut saari cheezein hoti hain. This we are going to learn. But first thing is that we use materials for many purposes. हम बहुत सारे materials अलग अलग काम में use करते हैं. Okay, कुछ materials natural होते हैं, like water, soil. ये आप यूज करते हैं, ओके. एंड सम मटेरियल्स आर मैनमेड. ये आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. नाउ इस मटेरियल्स को अगर हम दो टाइप से बांटें, या मटेरियल्स आर रिसोर्सेज, जो भी चीजें हमारे काम आती है, दे ऑल आर रिसोर्सेज. यू योरसेल्फ इज आल्सो अ रिसोर्स, ओके. आप खुद भी एक रिसोर्स है ना, क्योंकि आप भी एक इंसान है, पढ़े लिखे हैं, आप कुछ कर सकते हैं देश के लिए, समाज के लिए. दैट्स व्हाई यू आर अ रिसोर्स, ओके. तो हम ह्यूमन बीइंग आते हैं नेचुरल रिसोर्स में, प्लांट्स एंड एनिमल्स नेचुरल रिसोर्स में आते हैं, ओके. नेचुरल रिसोर्स में आते हैं पूरे आपके जंगल, फॉरेस्ट, सॉइल, माउंटेन्स, रिवर्स, वाटर, ओशंस, ये सभी नेचुरल. सनलाइट आल्सो, सनलाइट, विंड, दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज. एंड मैनमेड रिसोर्सेज, आपने बड़ी बड़ी शिप बनाई, एरोप्लेन बनाए, रोड्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, मशीन बनाए, ये सब मैनमेड रिसोर्सेज में आते हैं, ओके. अंडरस्टैंड. नाउ रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं. कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे होते हैं जो एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो खत्म नहीं होते. ये खत्म होना मींस, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है एग्जॉस्ट, ओके. तो एग्जॉस्ट जो हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. लाइक आपने देखा होगा कोल, कोल हम यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, फॉरेस्ट आप यूज करते हो. अभी धीरे धीरे जंगल कम हो रहे हैं, कई जगह तो ऐसा है कि जंगल या फॉरेस्ट आर ऑलमोस्ट वैनिश्ड, गायब हो चुके हैं. क्यों? क्योंकि हमने नई नई कॉलोनीज बना दी, फैक्ट्रीज बना दी, रोड्स बना दिए, हाईवेज बना दिए, तो हमने क्या किया, खेती के लिए जमीन बढ़ा दी, तो जंगल काटने पड़ गए. वाइल्ड लाइफ ऑल्सो, जैसे एनिमल्स, कई एनिमल्स जो है, राइनो जो है खतरे में है, एंडेंजर्ड एनिमल. क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उसकी संख्या कम होती जा रही है, उसके नंबर्स कम होते जा रहे हैं. व्हाइट टाइगर्स पहले बहुत सारे थे, अभी बहुत रेयर मिलते हैं. तो हमने सुना था कि डायनासोर्स पहले थे, लेकिन डायनासोर आज के डेट में नहीं, मैमोस नहीं है, ओके, डोडोस नहीं है. तो ये सब क्या है, ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में आते हैं. तो एग्जॉस्टेबल रिसोर्स में और क्या चीजें आती है, जिनकी नंबर लिमिट है, जिनकी अमाउंट या क्वांटिटी लिमिट है, ओके, और उनको बनने में मिलियंस और ट्रिलियंस ईयर्स लग जाते हैं. तो अब क्या होता है, अगर आज हम खत्म कर दें उनको 150 ईयर्स में, तो व्हाट विल हैपन, 100 या 150 ईयर्स के बाद हमको शायद वो बहुत कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. तो दे आर अंडर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. इसके लिए हम याद करते हैं वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, ओके, हम बात कर सकते हैं पेट्रोल, डीजल, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, ओके, कोल की, कोल जमीन के अंदर है, उसका अमाउंट लिमिटेड है, कुछ सालों बाद कोल जो है हो सकता है खत्म हो जाए. इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में क्या आता है, जो कभी खत्म नहीं होंगे, कम ज्यादा हो सकते, कभी उनकी क्वांटिटी या अमाउंट डिस्टर्ब हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है, बट वो फिनिश नहीं होगा. लाइक एयर, सनलाइट, ये कभी खत्म हो सकता है, नहीं, ओके. आपका वाटर कभी खत्म नहीं होता. वाटर जो है, अगर वो कम होना है तो क्या होगा, इवेपोरेट होकर ऊपर उड़ जाएगा, वापस कंडेंस होकर, और उसके बाद वो बारिश के रूप में या स्नोफॉल के रूप में वापस हमारे अर्थ पर आ जाता है. तो वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट, ओके, ये कभी भी आपकी फिनिश नहीं होती. दे कम इन टू द कैटेगरी ऑफ इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. अब हम बात करते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में, जो पेट्रोलियम एंड कोल है, ये है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन इसको प्रोसेस कैसे करते हैं हम, ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू, ओके. तो अगर हम बात करते हैं इसमें, सबसे पहले बात करेंगे हम कोल की. कोल क्या, कोयला, ओके, व्हाट इज कोल, ये कैसे बनता है ना, और इसकी क्या हिस्ट्री है, एंड इसके कौन कौन से यूजेस हैं, और कितने टाइप्स के कोल हमको मिलते हैं, ओके. तो
कोल जो है इसको हम फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं. व्हाट इज फॉसिल? फॉसिल क्या होता है? कई मिलियंस ईयर्स पहले, ऑलमोस्ट 300 मिलियंस ईयर्स पहले, अर्थ का जो वो था फैटलैंड था, उसमें बहुत सारे फॉरेस्ट और एनिमल्स वो ये सब थे. कुछ सालों में वो सब दब गए. किसके अंदर? अंडर द सॉइल. ओके. एंड सॉइल की जब नीचे गए तो अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड एब्सेंस ऑफ एयर वो सब क्या हो गए? वो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स कन्वर्ट हो गए धीरे धीरे सॉइल के अंदर मिलकर कोल में. जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो, तो क्या हो जाता है? वो कार्बन बनता है. कोल इज कार्बन. कोल क्या है? कार्बन. तो कन्वर्जन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मींस फॉसिल्स इनटू कार्बन और कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. ओके, इसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन. ओके, कार्बन बन जाना, फॉसिल्स का कार्बन बन जाना. एंड ये जो फ्यूल्स है हम जो यूज करते हैं हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं. तो कोल इज अ फॉसिल फ्यूल. अब फॉसिल फ्यूल्स में और भी चीजें आती है, जैसे कि कोल के साथ हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं. कोल तार, जिसको आप डामर बोलते हैं, आप कोक यूज करते हैं. ओके, तो ये सब जो चीजें आती है कोल के ही प्रोडक्ट है, एंड दे ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल हमारे पेट्रोलियम भी होता है, इसको हम भी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद. लेकिन उसके पहले हम कोल के टाइप्स पढ़ें और कोल कहाँ कहाँ यूज होता है. ओके, कोल कहाँ यूज होता है? कई गाँव में, छोटे तबकों में आज भी कोल जो है सिगड़ी जलाने में यूज होता है, मतलब खाना पकाने में, कुकिंग में. ओके, इट गिव्स हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है. ओके, फिर हम बात करते हैं कोल हमारे लिए कहां यूज होता है. यू ऑल नो हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन? यस, जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन. बट स्टीम इंजन किस चीज पे चलता था? कोल पर. हमको जो बिजली मिलती है इट कम्स फ्रॉम एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. ओके, लेकिन ये NTPC में जो बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है थर्मल पावर के थ्रू. व्हाट इज थर्मल पावर? जब थर्मल पावर वर्ड यूज होता है तो यूजुअली इट इज यूज फॉर कोल पावर. ओके, वो भी कोल से चलती है. बहुत सारे इंजन कोल से चलते हैं, फैक्ट्रीज में कोल की जरूरत पड़ती है. ओके, फिर कोल में एक चीज आती है कोक. कोक जो होता है वो कोल का प्योरेस्ट फॉर्म होता है. ये कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है कोक. ओके, ये भी इंडस्ट्रीज में यूज होता है. फिर हम ये कई मिनरल्स जो होते हैं, लाइक मेटल्स जो होते हैं लाइक आयरन, मैग्नीशियम, उनके एक्सट्रैक्शन में कोक काम आता है. ओके, अनदर इज कोल तार. कोल तार को आप सब जानते हैं, उसको आप बोलते हैं डामर. ये थिक लिक्विड होता है, इसकी स्मेल बड़ी अजीब सी आती है. जब रोड बनती तो आपने इसकी स्मेल देखी होगी. ओके, इस ये ऑलमोस्ट 200 सब्सटेंस से मिलकर बनता है. यूजुअली इसको हम रोड बनाने में काम में लेते हैं, प्लस वाटर प्रूफिंग एजेंट में भी लेते हैं. कई इंडस्ट्रीज में और कई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वाटर प्रूफिंग एजेंट का भी काम करता है कोल तार. स्पेशली इसको रोड बनाने में यूज होते हैं, इसको कोल तार रोड बोलते हैं. हिंदी में इट इज यूज एज डामर. तो दिस इज अबाउट कोल. ओके, अब कोल कैसे बनता है? थ्रू फॉसिल्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल. Mainly it is used in cooking and industries as well as steam engine. आजकल steam engine में इसका कम हो गया, because steam engine अब कम हो गया. Okay? Nowadays we run engine on diesel and petrol. Okay? अब इसके लिए हमें जरूरी है हम petroleum को पढ़ें. Okay? Students, petroleum में एक और चीज होती है petrol और diesel के अलावा, bitumen. अब ये bitumen क्या होता है? जो coal tar होता है, डामर. आजकल रोड बनने में उसकी जगह बिटुमिन का इस्तेमाल होता है. इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि ये अवेलेबल है. जब पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं, रिफाइन करना मतलब क्या होता है? पेट्रोलियम को साफ करके, क्रूड ऑयल जिसको कच्चा तेल बोलते हैं, उसको साफ करके पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, यस वन मोर प्रोडक्ट, केरोसिन निकालते हैं. केरोसिन को भी अभी कुछ सालों तक हम लोग ने देखा कि लोग अपने स्टोव जलाने में यूज करते थे. ओके, अभी ये इसकी सप्लाई कम हो गई है और इसको यूज में कम ले रहे हैं, बिकॉज ये
बहुत ज्यादा पॉल्यूशन और स्मेल क्रिएट करता है. ओके नाउ बट हम देखते हैं कि पेट्रोलियम पर हैवी व्हीकल्स हो चाहे लाइट व्हीकल्स हो और बहुत सारे इंजन्स हो मशीन्स के, दे रन ऑन पेट्रोल एंड डीजल. ओके एंड सम ऑन केरोसिन आल्सो. लेकिन पेट्रोलियम के पहले समझे पेट्रोल का मतलब क्या होता है, पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है. पेट्रोलियम में देयर आर टू वर्ड्स, पेट्रा प्लस ओलियम. दिस पेट्रा मींस होता है रॉक्स, चट्टाने, जो अर्थ के अंदर सोयल के अंदर चट्टाने दबी हुई है उसको हम पेट्रा बोलते हैं. ओलियम मींस ऑयल, इट मींस द ऑयल व्हिच इज इन बिनीथ ऑफ रॉक्स. ओके अंडर द सॉइल या अंडर द अर्थ, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम. पेट्रोलियम मेनली जो मिलता है आपको वो ऐसा मिलता है कि ये भी फॉसिल फ्यूल है. पेट्रोलियम इज ऑल्सो फॉसिल फ्यूल. ओके फॉसिल फ्यूल कैसे है कि कई हजारों करोड़ों साल पहले जब अर्थ के ऊपर मैक्सिमम वाटर ही वाटर था, तो व्हाट हैपेंड, सभी चीजें लाइक एनिमल्स हो प्लांट्स हो वो सब डेड फॉर्म में सबमर्ज हो गई वाटर के अंदर. ये तो हो गई पानी में डूब गई. अब क्या वो पानी में डूबकर वो समुद्र के बिल्कुल नीचे तल पर बिल्कुल डेप्थ में पहुंच गई, और डेप्थ में पहुंच गई उनके ऊपर फिर सी की जो वाटर के साथ में जो सैंड और जो क्ले थी वो आती गई, जमा होती गई. अब आप बताइए जब ये डेड प्लांट है या इसके ऊपर मड जमा हो रही है, क्ले जमा हो रहा है, सैंड जमा हो रही है, तो कुछ सालों बाद क्या होगा, ये ऐसी दब जाएगी जमीन के अंदर कि इसको ना एयर मिलेगी ना इसको कोल्डनेस मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर इसका हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा. प्रेशर किस चीज का, वाटर का भी प्रेशर है, ऊपर से हर चीज का प्रेशर आ रहा है. ओके एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ एयर एंड व्हाट विल हैपन, जैसा कोल में हो रहा था स्लो कन्वर्जन हो रहा था जिसके थ्रू कार्बनाइजेशन हो रहा था फॉसिल का, अब यहां भी फॉसिल का कार्बनाइजेशन हो रहा है ऑन हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. ओके सो आफ्टर मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स व्हाट हैपेंड, दिस फॉसिल्स विल कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम. ओके एंड पेट्रोलियम इज अ क्रूड ऑयल जिसको जब हम निकालते हैं तो क्रूड ऑयल के फॉर्म में निकलता है. आफ्टर दैट इट इज सेंट टू रिफाइनरीज, जहां पर पेट्रोल डीजल एंड केरोसिन या बाकी चीजें निकाली जाती है, पेट्रोल को साफ करके निकाला जाता है. दैट फैक्ट्री, ओके दैट सेटअप इज कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनरी. हमारे इंडिया में बहुत जगह पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं. ओके द मोस्ट फेमस रिफाइनरी इज इन मथुरा, जहां पर कुछ सालों पहले आग लग गई थी, अगर आपने न्यूज पढ़ी होगी. ओके एंड पेट्रोलियम के साथ और क्या चीजें, पेट्रोलियम में पेट्रोल के अलावा और क्या चीजें निकलती है, डीजल, केरोसिन, वैक्स. वैक्स कौन सा, पैराफिन वैक्स. ओके ये भी आपका एक फ्यूल है जो लैंप जलाने में काम आता है. ओके देन आप पेट्रोलियम जेली यूज करते हैं. पेट्रोलियम जेली कैसे यूज करते हैं, आपने देखा है कभी? हाँ जी, आप लोग सर्दी हो जाती है आपके गाल फटने लगते हैं, ऊन फटते हैं, तो आप कुछ लगाते हैं वैसलीन टाइप की क्रीम, वो पेट्रोलियम जेली है. ओके जो पेट्रोल निकलता है जो कचरा बचता है वेस्टेज, दैट वेस्टेज वेरी यूजफुल टू अस, वो पेट्रोलियम जेली. गाड़ियों में ग्रीस लगाते हैं आप प्रॉपर तरीके से, इंजन वर्क करे उसमें जंग नहीं लगे. ओके दैट इंजन दैट ग्रीस इट इज ऑल्सो अ वेस्ट मटीरियल विच वी गेट फ्रॉम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. ओके पेट्रोलियम रिफाइनरी से मिलता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. एंड बिटुमिन इज ऑल्सो अनदर प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम पेट्रोलियम दैट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. ओके रोड कंस्ट्रक्शन में काम आता है. ये तो हो गया. अब इंडिया में पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, आसाम के दिग्बॉय के पास मिलता है. अगर आप नियर ट्रॉम्बे देखें, बॉम्बे के पास, बॉम्बे हाई बोलते हैं, समुद्र का एरिया है. ओके इन अरेबियन सी वहां मिलता है. ओके इसके अलावा जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है और वहां के जो वो है एरिया वहां मिलता है. राजस्थान में कुछ जगह मिलता है, आसाम में कुछ जगह मिलता है. तो ये पेट्रोलियम जहां से हमको मिल सकता है इंडिया में वो जगह है. नाउ कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जॉस्टिबल मटेरियल्स. ये कौन से रिसोर्सेज है, एग्जॉस्टिबल मतलब एग्जॉस्ट हो जाएंगे कुछ दिनों बाद. तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे बचा सकते हैं, हमें एक्टिविटी करें अगर
अगर आप बच्चों को तीन ग्रुप में बांट दिया जाए और पहले ग्रुप को कुछ एप्पल्स दे दिए जाए खाने को, तो आप लोग अगर एप्पल्स बहुत पसंद है तो व्हाट विल हैपन, आप लोग सोचेंगे कि चलो हम मैक्सिमम एप्पल्स खा लेते हैं। सेकेंड ग्रुप को कुछ एप्पल्स मिलेंगे, वो भी सोचेंगे चलो पहले ग्रुप ने खा दिया पेट भर लिया, हम भी अपना पेट भर लेते हैं, वो भी पेट भर लेंगे। देन व्हाट हैपेंड टू द थर्ड ग्रुप, उसको क्या होगा, क्या उसके लिए पूरे बच पाएंगे? अगर वो आपका सबका फेवरेट फ्रूट है तो नहीं, शायद कम बचेंगे, उनका शायद भूखे रह जाए, अधूरा रहेगा उनका डाइट, है ना। और अगर दूसरा ग्रुप बनाया जाए, वहां भी तीन अलग ग्रुप बनाए जाए और इनको बोला जाए इतना खाना कि अगले दो जनरेशन के लिए बच जाए, दो ग्रुप के लिए बच जाए, तो आप बहुत वाइजली उसका यूज करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से खाएंगे कि इतना बच जाए आगे के दो ग्रुप के लिए, सेकेंड ग्रुप भी थर्ड ग्रुप के लिए बचाएगा और थर्ड ग्रुप के लिए सफिशियंट एप्पल्स बचे रहेंगे। सेम यही चीज रिसोर्सेज के साथ होती है, जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है अगर उसको हम वाइजली यूज करें तो आने वाली कई जनरेशन के लिए उसको हम बचाकर रख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, लाइक पेट्रोल एंड डीजल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हमारे पास ये दोनों है। जब आप हैवी ट्रैफिक में जा रहे हो, जब सिग्नल आए रेड, तो अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। कई लोगों को देखा होगा आपने, वो क्या करते हैं, इंजन चालू, ठीक है। अपनी गाड़ी को एक ऑप्टिमम स्पीड पर रन कीजिए, ना बहुत स्लो और ना ही बहुत फास्ट, रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे, क्योंकि जितना फास्ट आप गाड़ी चलाते हैं उतना इंजन पे जोर पड़ता है एंड इट कंज्यूम्स मोर फ्यूल, ओके। थर्ड वन इज, गाड़ी जो आप चलाते हैं, व्हीकल, कार हो चाहे आपका स्कूटर हो, उसके टायर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, उसको हमेशा चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर टायर में एयर कम है तो भी गाड़ी को चलने में ज्यादा मेहनत लगती है और इंजन को फ्यूल ज्यादा लगता है। वन मोर थिंग, अपनी व्हीकल को रेगुलर चेक करवाते रहिए, रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करवाते रहिए, सर्विसिंग करवाते रहिए। जितनी अच्छी सर्विसिंग होगी, गाड़ी का पेट्रोल और डीजल उतना ही कम जलेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पर आप खुद जा सकते हैं पैदल या बाय बाइसिकल, यूज योर फुट और गो बाय बाइसिकल, ओके। दिस इज हाउ वी कैन कंज्यूम कोल एंड पेट्रोलियम वाइजली एंड वी कैन सेव दीज रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, ओके। ये सिर्फ आपके अकेले की नहीं, हम सबकी ड्यूटी है। वी विल मेक दिस अर्थ ग्रीन एंड क्लीन बाय सेविंग अवर रिसोर्सेज, ओके।